गोपाल नायक। गोपाल नायक दक्षिण के निवासी थे और देवगिरी के राजा रामदेव के राज्य गायक थे। वे स्वभाव के बड़े सरल थे। आवश्यकता से अधिक सरल और सीधे होने के कारण कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने छल कपट से उन्हें संगीत प्रतियोगिता में हरा दिया। सन 1294 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी राज पर आक्रमण कर विजय प्राप्त किया। कहते हैं कि खिलजी ने गोपाल नायक से अपना गायन सुनाने को कहा। गोपाल 6 दिनों तक अपना गायन सुनाते रहे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के सिंहासन के नीचे बैठा हुआ उसका गायन बराबर सुनता रहा। इसके पश्चात जब खुसरो सामने उपस्थित हुआ तो गोपाल ने उसे संगीत प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित किया। खुसरो झट से तैयार हो गया और गोपाल से गायन प्रारंभ करने को कहा। गोपाल गाने लगे। बीच में ही खुसरो ने उसे रोककर कहा कि यह सही राग नहीं है। अतः गोपाल ने कहा कि अच्छा तुम ही सही राग गाकर सुनाओ। खुसरो ने उसी समय उससे मिलते जुलते एक फारसी राग की रचना कर गाना शुरू कर दिया। अतः गोपाल नायक को विवश होकर अपनी हार माननी पड़ी। अमीर खुसरो गोपाल नायक की प्राकृतिक प्रतिभा को अच्छी प्रकार समझता था। अतः उसे वह अपने साथ दिल्ली ले गया। अमीर खुसरो के साथ गोपाल नायक दिल्ली में मृत्यु पर्यंत रहे और संगीत साधना में संलग्न रहे। गोपाल जाति के ब्राह्मण थे और छंद प्रबंध गाते थे।